जा रही हूँ। शिव तांडव स्तोत्र की रचना कैसे हुई थी? शिव तांडव स्तोत्र को रावण ने बनाया था। रावण को अपने बल पर बहुत अहंकार था, इसलिए उसने एक दिन कैलाश पर्वत को उठा लिया। भोलेनाथ को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने अपने पैर का अंगूठा कैलाश पर्वत पर रख दिया और वो पर्वत नीचे दबता गया और रावण का हाथ भिज गया। इसलिए उसने रावण ने भोलेनाथ से अपनी प्रार्थना करते हुए ये शिव तांडव स्तोत्र सुनाया था, जो मैं आज आप सबको सुनाने जा रही हूँ। मैं आज आपके समक्ष 13 श्लोक शिव तांडव के सुना रही हूँ। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलं विलंबितां भुजंग ठुंगमानिकां डमट 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 डमन्निनाड वड्डमर्वयं चकार चंद्र तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह संभ्रमं ब्रह्मन्निनिम्पने जड़ी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी दगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरीन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु रश्मि गंध संतति प्रमोद मान मानस कृपा कटाक्षि धोरणी निरुद्ध दूधरापदी क्वचित गंभरे वनो विनोद में तु वस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदंब कुंभद्रव प्रलप्ति दिग्वधू मुखे मदांध सिंदूर स्फुरत उत्तरी मेधुरे मनो विनोद मदगुणं व्यभर्त भूत भर्तरी। सहस्त्र लोचनम प्रपत्य शीशलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणि विधूसरांग पीठभू भुजंग राज मालयानि पद्य जाट जूठ के श्रिय जिराय जाय काम चकोर बंधु शेखरा। ललाट चत्वलज्ज्वल धनंजयश्पुरिंग भानि पीठ पंच सायकं नमन्निनिम्प नायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपाली संपदे शिरो जटाल वस्तुनः। कराल भाल पट्टिका दगद 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 ज्वल धनंजय राहुती करत प्रचंड पंच सायके धराधरेन नंदनी कुचाग्र चित्र पत्र के प्रकल्प नयक शिल्पनी त्रिलोचने रते मम। नवीन मेघ मंडले निरुद्ध दूधरा स्फुरत कुमूनि शीदनी तम प्रबद्ध पद्य गंधर प्रबद्ध पद्य गंधर। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिन प्रभावलंबि कंठ कंदरी रुचि प्रबद्ध कंदरम स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदं गच्छिदं तमंत गच्छिदं भजे। अखर्व सर्व मंगला कला कदम मम जरीर सप्रवाह माधुरी विजंबणा मधुमतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकं कांतकं तमंत कांतकं भज। जयद्वद्विद्रम प्रमद्भुजंगमश्वसुनिर्गमत्रमस्फुरत्करालबालहव्यपाड्यमिद्यमिद्यमिध्वनन्मदङ्गटुण्ड मङ्गलध्वनीकरं प्रवर्तितं प्रचण्डताण्डवो शिवश्चित्ततल्पयो भुजङ्गमुक्तिकस्तुजो गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुद्रङ्गपक्षिपक्ष तुषारविन्दचक्षुषो प्रजामयी महेन्द्रयो समप्रवर्तिक कदा सदाशिवं भजाम्यकम्। कदा निलिम्पने जडीन् कुञ्जकोटदेवसन् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमज्जरी वहन् विलोल लोल लोचनोल लाम भावलम्न केशिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यगम्। इति रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र के 13 श्लोक सम्पूर्णम्।